हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इक्वलाइजर्स ऐप फॉर एंड्रॉयड पार्ट 2 के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस लिस्ट में नंबर 5 पर जो ऐप है उसका नाम है इक्वलाइजर बाय स्मार्ट एंड्रॉयड एप्स। इसका लोगो आप देख सकते हैं वो कुछ इस टाइप का है। चलिए इसे ओपन करके चेक करते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऐप का इंटरफेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स और उनके लोगोस दिए गए हैं और ऊपर जो इधर एक लोगो नज़र आ रहा है डाउनलोड का, इधर आप क्लिक करके इसके जो स्किन्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके। और नेक्स्ट जो लोगो नज़र आ रहा है ये हेडफोन का, इधर आप क्लिक करके अपने म्यूज़िक प्लेयर से कोई भी गाना प्ले कर सकते हैं जो आपके फ़ोन में सेव हो। लेट्स से मैं कोई गाना प्ले करता हूँ। गाना प्ले करने के बाद आप ऐप खोलें। ऐप खोलने के बाद ये जो पावर बटन दिया गया है, इधर जाकर कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जिनमें इक्वलाइजर है, बेस बूस्ट है, सराउंड साउंड है और साउंड एम्पलीफायर। इनको आप टिक करके ओपन कर सकते हैं जो भी आप ओपन करना चाहें। मैं ये सारे ओपन करके आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये टिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इक्वलाइजर जो है वो ऑन हो गया और इफ़ेक्ट अप्लाई होना शुरू हो गई है। आप इनमें से कोई भी प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सॉन्ग के लिए। मैं सॉन्ग प्ले नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉपीराइट सॉन्ग है। और जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई हो चुके हैं। इस ऐप के साथ कोई भी थीम्स नहीं दी गई है, लेकिन इसकी जो स्किन्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हूँ, वरना मैं आपको दिखाता कि आप इसमें कौन कौन से स्किन्स अवेलेबल है। इस इक्वलाइजर के जो डाउनलोड्स है गूगल प्ले स्टोर पे वो है 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स। इसका साइज जो है वो है 4 MB फाइल साइज है और इसके जो रिव्यूज है वो है 3.9 स्टार विथ 134K रिव्यूज। फ्रेंड्स, नंबर 4 पे जो ऐप है उसका नाम है इक्वलाइजर म्यूजिक प्लेयर। इस ऐप का लोगो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है। इसे ओपन करके देखते हैं किस ऐप का है। फ्रेंड्स, इस ऐप की एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ही अपना म्यूजिक प्लेयर है जहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी म्यूजिक जो आपके फ़ोन में सेव है प्ले कर सकते हो और इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इधर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें एक है इक्वलाइजर का और इस इक्वलाइजर में बहुत सारे प्रीसेट्स भी दिए गए हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है बेस बूस्ट का, इधर से आप डायरेक्टली बेस बूस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है बेस बूस्ट का। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है ऑडियो स्पेक्ट्रम का, यहाँ पे ऑडियो स्पेक्ट्रम के भी डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है साउंड फेड इन फेड आउट का, एक सॉन्ग खत्म होगा तो नेक्स्ट कितने ड्यूरेशन के बाद प्ले होगा उसको आप इधर से सेट कर सकते हैं। इस ऐप के जो गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड्स है वो है 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स। इस ऐप का जो साइज है वो है 7.9 MB और इसके जो रिव्यूज है वो है 4.6 स्टार विद 515K रिव्यूज। फ्रेंड्स, नंबर 3 पे जो ऐप है उसका नाम है म्यूजिक वॉल्यूम इक्वलाइजर। इसका ऐप आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है। चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसके इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ पे एक वॉल्यूम का बटन दिया गया है, वॉल्यूम का ऑप्शन है और उसके बाद ये वर्चुअलाइजर का एक विंडो दिया गया है। नीचे इक्वलाइजर का बटन दिया गया है जहाँ पर क्लिक करने पर आपको इक्वलाइजर का जो विंडो है वो ओपन होगा। होने के बाद इसके नीचे भी एक वर्चुअलाइजर का बटन दिया गया है जिसे क्लिक करने पर ये वर्चुअलाइजर के विंडो को ओपन करेगा। इक्वलाइजर के नीचे दो बटन दिए गए हैं, एक बटन है बेस बूस्ट का और नेक्स्ट जो बटन है वो है वर्चुअलाइजर का। इनका भी सिंपल वही काम है, इधर से आप एक से बेस बूस्ट कर सकते हो और दूसरे से साउंड को जो वर्चुअलाइज कर सकते हैं। ऊपर इधर टॉप राइट कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिया गया स्पीकर का, स्पीकर के लोगों के साथ आप इधर क्लिक करके जो साउंड का लाउडनेस है उससे मैक्सिमम या मिनिमम कर सकते हैं। इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना म्यूजिक प्लेयर ओपन करना होगा और सॉन्ग प्ले करना होगा। सॉन्ग प्ले करने के बाद ये जो ऐप है इसे खोल दे। खोलने के बाद ऊपर जो बटन है उसे यूज़ करके आप इक्वलाइजर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तभी इफेक्ट अप्लाई होंगे। इस इक्वलाइजर के साथ सेम वही 9 प्रीसेट्स दिए गए हैं जो दूसरे इक्वलाइजर्स में दिए जाते हैं। और इस ऐप के साथ सिर्फ 3 ही थीम्स दिए गए हैं जो मुझे कुछ खास थीम्स नहीं लगे। ये थीम्स जो है वो है क्लासिक थीम है, दूसरा मटेरियल थीम है और तीसरा जो है स्टूडियो थीम है। गूगल प्ले स्टोर पे इसके 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है और इसका जो फाइल साइज है वो है 7.4 MB और इसके जो रिव्यूज है वो है 4.5 स्टार विद 640K रिव्यूज।
फ्रेंड्स लिस्ट में नंबर सेकंड पर जो ऐप दिया गया है वो है म्यूज़िक इक्वलाइजर बेस बूस्टर। इसे ओपन करने पर आपको एक रियलिस्टिक थीम नज़र आएगा जहां पर आपको इक्वलाइजर का ऑप्शन दिया गया है, उसके साथ बेस बूस्ट का और वर्चुअलाइजर का ऑप्शन दिया गया है। उसके नीचे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और लास्ट पे जो आपको बार नज़र आ रहा है यहाँ पर आप क्लिक करके अपने म्यूज़िक प्लेयर है वो ओपन कर सकते हो, कोई सा भी म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। इस ऐप की जो अच्छी बात लगी वो है इसकी एज लाइटिंग। आप अगर कोई भी गाना प्ले करेंगे तो उसके साथ जो एज पर ये लाइटिंग है ये चलना स्टार्ट होगी। और इसकी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, इसकी जो विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं, रेडियन चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हो और इसमें डिफरेंट कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। इस ऐप में 18 रियलिस्टिक थीम्स भी अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पे इसके 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है और इसकी जो फाइल साइज है वो है 5.2 MB और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.6 स्टार विद 161K रिव्यूज। फ्रेंड्स नंबर वन पर जो ऐप है वो है बेस बूस्टर एंड इक्वलाइजर। इसे ओपन करने पर आपको एक आपको सेम उसी टाइप का एक रियलिस्टिक थीम नज़र आएगा जहां पर आपको बेस बूस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद 3D इफेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। 3D इफेक्ट सिंपली वर्चुअलाइजर का नाम चेंज करके वही दिया गया है। उसके बाद नीचे जो विंडो है वहां पर आपको इक्वलाइजर का ऑप्शन दिया गया है। इस इक्वलाइजर के साथ जो प्रीसेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीसेट्स है जिसकी वजह से ये दूसरे ऐप से थोड़ा डिफरेंट है। टॉप राइट कॉर्नर पर एक ऑन ऑफ का बटन है जहाँ से आप इक्वलाइजर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसके साथ ही एक प्ले का बटन दिया गया है जहाँ पर आप क्लिक करके अपने म्यूजिक प्लेयर से कोई भी गाना प्ले कर सकते हैं। गाना प्ले करने पर इसके साथ भी एज लाइटिंग का जो ऑप्शन है वो है अवेलेबल है। इसके साथ कोई थीम्स नहीं दी गई पर इसके थीम के जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स पर जाकर। इसके गूगल प्ले स्टोर पर जो डाउनलोड्स है वो है 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स, फाइल साइज जो है वो है 3 MB और इसकी जो रेटिंग्स है वो है 4.6 स्टार विद 244K रिव्यूज़।